हम जा रहे हैं दिल्ली। सडन प्लान बनाया, कोई प्लान नहीं था कि हम निकल भी सकते अभी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं कैसी ट्रेन मिले, कहीं भीड़ भाड़ ना हो उसमें। बस ट्रेन में हम बैठे ऊपर, मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी यहाँ पर, मुझे अच्छा भी लग रहा था लेकिन बहुत भीड़ थी यार, हम फंस गए। आज की बात कभी ऐसे नहीं आएंगे, कितनी भी जल्दी हो ना रिजर्वेशन के बिना आना नहीं है बस मुझे। जा रहे हैं मेट्रो में बैठने, आज फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में बैठूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मैं बना रही थी मेट्रो में वीडियो और इसने मुझे डरा दिया कि इसमें चालान है 500 रुपए का। मैंने नहीं बनाया, मैंने रख दिया फोन। मैंने हम लोग इंद्रलोक आ गए हैं, अब गोलू हमें लेने आ रहा है। गोलू है अमन का बड़ा भाई, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। यहाँ की ठंडी में ठंडी लग रही है। टूरिस्ट की गाड़ी से जाएंगे भाई, ये बैठे हैं ड्राइवर साहब। नमस्ते 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 भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उठ गई हूँ सो के, अभी बहुत नींद आ रही है लेकिन मुझे अब जल्दी उठ के निकलते हैं मार्केट के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। जिस काम के लिए आए वो तो करेंगे ना। अब हम जा रहे हैं दीदी घर, फिर वहां से जाएंगे मार्केट। अब हम निकल आए हैं भाभी के घर से, अब जाएंगे चांदनी चौक शॉपिंग करने। दीपक आए मुझे लेने के लिए और ये आए। अब पहले इनके घर जा रहे हैं। तुम पियोगी ना? हाँ। चलो पियो। भाई दीदी चीनी चाय में चीनी डालने भूल गई, मैंने चाय पी कह रहा बहुत टेस्टी है पी की चाय। ऐसे ही डाल ले रहे, इतनी ज्यादा हो जाएगी इतनी। ठीक है, कुछ खाने का मन तो हो नहीं रहा था लेकिन अब आलू का पराठा देख के मुझसे रुका नहीं जाएगा, फिर भी मैं कंट्रोल करूंगी क्योंकि मैं बाहर आई हूँ अभी। जा रहे हैं सब चांदनी चौक, जल्दी जल्दी आओ तुम लोग। वहाँ तक पैदल जा रहे हैं, सामने आपको मेट्रो दिख रही होगी बिल्कुल वहाँ पे, थोड़ा सा दूर है घर से, 2-3 किलोमीटर दूर है मेट्रो,
तो दीदी ने बोला ऑटो कर ले पैदल ही चले, वो लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, तो मैंने कहा चल लेते, इतना तो रोज ही चलते हैं ना पैदल। भाई आ गया, भाई खुश रहो। अजय नहीं है, केवल अमन आया है। अब करेंगे शॉपिंग, तुम भी ले लेना शादी के लिए कुछ। पहुंच गए हैं हम चांदनी चौक। ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा है। ये सामने दिख रहा है लाल किला। लाए होगी तभी तो। भाई कहीं नहीं मिलने लेंगे वहेंगे, हम तो फंस गए चांदनी चौक में आके। एक तो जिस दुकान पे जाइए वीडियो मत बनाई, वीडियो मत बनाई, पता नहीं सब कैसे डालते हैं यूट्यूब पे, मैं तो गुस्सा। ये खुद डालते हैं, ये लोग डालते हैं, वो बुलाते हैं आओ मेरी दुकान में वीडियो बना लो। अब फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते, वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते। अब थक हार के हम बस ही पापड़ी खाने लगे, बहुत भूख लग रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने शॉपिंग कर पाई, अब आ गया कुछ खाने के लिए। इनका आ गया मोमोज, अब हम लोगों का ऑर्डर अभी बाकी है, आ जाए फिर खाएंगे। रात हो गई है, बहुत थकान सी हो गई है। अब जा रहे हैं घर, मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। चले चले घर? नहीं रहूंगा। तो वही रुकोगे अभी? तो तुम साथ में चलोगे ना? अभी तो साथ में चलोगे? हमें तो सीट मिली हुई है, बैठना हो बैठ लो। बाय बाय। चलो छोटू तो गया, अब हम फिर से अकेले। अब हम निकले हैं सेंट्रल मार्केट से, ये भी मार्केट हो गया, ले लिया है सारा सामान, अब जा रहे हैं फाइनली घर। मार्केट खत्म, अब फिर से कुछ खा पी लें। मैं खाने जा रही हूँ राम लड्डू, है ना? ये है राम लड्डू। अब हम खा रहे हैं पानी के बतासे। मार्केट तो सारा हो गया, हम निकल आए हैं, अब जा रहे हैं दीदी के घर पे। तो अब यहाँ से बस पकड़ेंगे। दिल्ली में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लेडीज से बस चार्ज नहीं लगता, एकदम फ्री किराया। तो हम बस में बैठ के जाएंगे अब फ्री में। समोसे देखो कितने बड़े बड़े हैं, कैपिटल लेटर में। कैसे कैपिटल लेटर में ये समोसे? इसमें अभी कुछ आया हुआ है, अभी खोलते हैं। कांटा लगा। कांटा खाओ भाई। भाई ये खाना खा लिया है, बहुत ठंड लग रही है, अब मैं लेट गई, अब नहीं उठूंगी। नेहा मेरे साथ सोएगी आज। ऐसे करो ऐसे। सुकून से सोएंगे, सुबह देखेंगे क्या करना है। बाय बाय। लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब। अच्छा ये तो वे। हाँ हटो। नमस्ते दीदी, जा रहे हैं, थैंक यू। आओ तुम, आओ तुम, क्यों बाय कर रही हो? नेहा के घर से हम निकल आए हैं, अब हमने प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं सरोजनी सरोजी नगर हम जा रहे हैं। वो मेरे मन में था, रे वहाँ नहीं घूमे तो कहीं नहीं घूमे। और एक चीज और, आज मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी है। ठंड नहीं लग रही, ये देखो रुपए।
हम पहुंच गए हैं सरोजनी मार्केट। अब देखते हैं कहाँ मिलते हैं यहाँ 10 के 4 टॉप। मार्केट अभी खुला नहीं है, धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन कुछ दुकानें खुल गई। चलो इन्हीं में से कुछ ले लेंगे हम लोग। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था तो अब हम आ गए हैं स्टेशन, वही जिस ट्रेन से हमारा रिजर्वेशन था ना, वो ट्रेन 5 घंटे लेट है। आज भगवान राम आ रहे हैं तो हो सकता है इस वजह से लेट हो रहा हो, पता नहीं। अब हम सोच रहे हैं बस से निकल जाएं, क्योंकि अब वो आए या नहीं आए पता नहीं। ठंड का मौसम है, 5-6 बज जाएगा ट्रेन आते आते, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड। ये देखो भाई साहब, इन्हें ठंड नहीं लग रही। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। आना शादी में है ना। चलो बस में बैठ गए, फाइनली थक के खाते। जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू। घूम आए।